नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। शनिवार शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर गोरखपुर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन का लोकार्पण और स्टेट बैंक का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15,32,38 लाख की लागत से निर्मित एनेक्सी भवन का लोकार्पण किया, जिसकी निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग खंड है। इस भवन का निर्माण कार्य 20 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुआ था। सर्किट हाउस परिसर में नव निर्मित एनेक्सी भवन के भूतल का कवर्ड एरिया 1802.62 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल का कवर्ड एरिया 1451.02 वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 45,000 वर्ग फीट में फैले भारतीय स्टेट बैंक के भवन का विधिवत उद्घाटन किया, जो दो फ्लोर में है और दोनों फ्लोर पर प्रशासनिक कार्यालय के अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा दूरदराज ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए माइक्रो एटीएम सहित 1387 ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने SBI भवन का भ्रमण कर विधिवत अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रशासनिक भवन SBI के लोकार्पण अवसर पर अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी शासकीय योजनाओं के 100% सफलता में बैंक का भरपूर सहयोग रहता है और यह बैंक देश के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 24 फरवरी को गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली किसान रैली की समीक्षा की, जिसके संदर्भ में मीडिया कर्मियों से खास बातचीत भी की। जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में आयोजित है। इस अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी साजी करेंगे और कार्यक्रम अधिवेशन का समापन 24 फरवरी को समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर आएंगे और उस दिन गोरखपुर में एक विराट किसान रैली का भी आयोजन किया गया है। गोरखपुर में किसान रैली का अपना एक अलग महत्व होगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में रखा जाएगा। खासतौर पर इस देश के अंदर अभी तक किसानों की जो सबसे बड़ी योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने आम बजट में घोषित की, जिसमें हर लघु और सीमांत किसान को एक वर्ष में प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये उन्हें उपलब्ध होगा, उस योजना का शुभारंभ गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी करेंगे। दूसरा, कांडला से लेकर गोरखपुर तक एक LPG गैस पाइपलाइन बिछनी है। इस गैस पाइपलाइन बिछने से यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति बहुत आसान हो जाएगी और इसका आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। विकास संबंधी अन्य ढेर सारी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। तो उसी रैली की तैयारी के दृष्टि से गोरखपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हमारी थी, वही बैठक अभी संपन्न हुई है और इस कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।